शादी है, इसमें कुछ रुपयों का लेन देन भी हुआ है या नहीं? और इसमें ध्यान दहेज कितना दिया जा रहा है, क्योंकि शादी आपकी लॉकडाउन में कर रहे हैं, तो क्या कुछ कैश दिया जा रहा है आपके परिवार के द्वारा लड़के वालों को? कोई कैश नहीं है। जो शादी है इसमें कुछ रुपयों का लेन देन भी हुआ है या नहीं? और इसमें ध्यान दहेज कितना दिया जा रहा है, क्योंकि शादी आपकी लॉकडाउन में कर रहे हैं, तो क्या कुछ कैश दिया जा रहा है आपके परिवार के द्वारा लड़के वालों को? कोई कैश नहीं है। जो शादी है इसमें कुछ रुपयों का लेन देन भी हुआ है या नहीं? और इसमें ध्यान दहेज कितना दिया जा रहा है, क्योंकि शादी आपकी लॉकडाउन में कर रहे हैं, तो क्या कुछ कैश दिया जा रहा है आपके परिवार के द्वारा लड़के वालों को? कोई कैश नहीं है। जो शादी है इसमें कुछ रुपयों का लेन देन भी हुआ है या नहीं? और इसमें ध्यान दहेज कितना दिया जा रहा है, क्योंकि शादी आपकी लॉकडाउन में कर रहे हैं, तो क्या कुछ कैश दिया जा रहा है आपके परिवार के द्वारा लड़के वालों को? कोई कैश नहीं है। जो शादी है इसमें कुछ रुपयों का लेन देन भी हुआ है या नहीं? और इसमें ध्यान दहेज कितना दिया जा रहा है, क्योंकि शादी आपकी लॉकडाउन में कर रहे हैं, तो क्या कुछ कैश दिया जा रहा है आपके परिवार के द्वारा लड़के वालों को? कोई कैश नहीं है। जो शादी है इसमें कुछ रुपयों का लेन देन भी हुआ है या नहीं? और इसमें ध्यान दहेज कितना दिया जा रहा है, क्योंकि शादी आपकी लॉकडाउन में कर रहे हैं, तो क्या कुछ कैश दिया जा रहा है आपके परिवार के द्वारा लड़के वालों को? कोई कैश नहीं है। जो शादी है इसमें कुछ रुपयों का लेन देन भी हुआ है या नहीं? और इसमें ध्यान दहेज कितना दिया जा रहा है, क्योंकि शादी आपकी लॉकडाउन में कर रहे हैं, तो क्या कुछ कैश दिया जा रहा है आपके परिवार के द्वारा लड़के वालों को? जो शादी है इसमें कुछ रुपयों का लेन देन भी हुआ है या नहीं? और इसमें ध्यान दहेज कितना दिया जा रहा है, क्योंकि शादी आपकी लॉकडाउन में कर रहे हैं, तो क्या कुछ कैश दिया जा रहा है आपके परिवार के द्वारा लड़के वालों को? कोई कैश नहीं है।